फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज है, अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, अगर आप इन तकलीफों के लिए अलग अलग दवाई खा रहे हैं, कभी विटामिन B12, कभी कैल्शियम, कभी विटामिन्स, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपके भी हार्ट में ब्लॉकेज हो चुकी है, अगर आपके भी हाथ पैर सुन होते हैं, नंबनेस आ चुकी है, टिंगलिंग होती है उनमें, अगर आपको भी गैस एसिडिटी की समस्या है, लीवर की समस्या है, फैटी लीवर हो चुका है जिसमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी इतनी ज्यादा बनती है कि खाना बाहर की तरफ आता है, या फिर आपको डायबिटीज हो चुकी है, ब्लड शुगर हो चुका है, इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, यानी कि ऐसी समस्याएं जो लंबे समय से चलती आ रही हैं और रोजाना आप इसके लिए कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको एक ऐसे नेचुरल हर्ब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल जॉइंट पेन वालों ने कैसे करना है, लीवर वालों ने कैसे करना है, और जिनको हार्ट में या सिर के अंदर नसें ब्लॉक हो चुकी हैं या सिर की नसें कमजोर हो चुकी हैं, तो उन लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर जानिएगा ताकि एक चीज के द्वारा हम इन सभी समस्याओं का हल कर सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि अगर आप बहुत मोटे हैं और आपको भी ऐसे लगता है कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं, तो मैं दिव्या शर्मा आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर यस लिखकर भेजिए, मैं आपका वेट लॉस करवाऊंगी हेल्दी तरीके से, और बहुत पतले हैं तो वेट गेन भी करवाया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों, ये साधारण सी चीज जो कि हार्ट की नसों को मजबूत कर देगी, हार्ट की ब्लॉकेज को दूर कर देगी, किसी किसी इंसान को सिर की नसें यानी दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं, दिमाग की नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, क्लॉट जमा हो जाते हैं, तो ये समस्या उसको भी दूर कर देगी। डायबिटीज का तो ये नामो निशान ही मिटा देगी, कभी आपको डायबिटीज भी थी। दोस्तों, ऐसी कारगर औषधि के बारे में बात करते हैं, तो वो साधारण सी कौन सी औषधि है, लेकिन लेने के तरीके अलग अलग हैं, वो है दालचीनी। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रही हूँ कि जिनको भी नसों में ब्लॉकेज रहती है, या फिर जिनकी दिमाग की नसें कमजोर हो चुकी हैं, दिमाग के अंदर क्लॉट्स आ गए हैं जिसके कारण उनके सिर दर्द लगातार बना रहता है, या फिर किसी भी चीज को रखकर भूल जाते हैं, नसें ब्लॉक आई हैं, आपने चेक करवाया है, तो उन्होंने इस दालचीनी का इस्तेमाल कैसे करना है, कितने लंबे टाइम तक करना है, कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों, आपने क्या करना है, आधा कप पानी ले लीजिए, आधा कप नॉर्मल पानी, और उसके अंदर सिर्फ दो चुटकी दालचीनी का पाउडर आपने डालना है और इस पानी को उबालना है। जब ये पानी उबल जाए, 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, तो इस पानी को ऐसे ही ढककर रख दीजिए। जब ये पानी नॉर्मल हो जाए, यानी कि 4 मिनट या 5 मिनट के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, सुबह खाली पेट सिप सिप करके पीना है, और ऐसा ही बनाकर दो चुटकी दोबारा बनाकर आपने शाम के समय पीना है। जिस इंसान ने ऐसा बनाकर 1 हफ्ते के लिए रेगुलर पी लिया, उसकी नसों में होने वाली ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, खून गाढ़ा हो चुका है ये समस्या भी दूर हो जाएगी, यानी खून पतला हो जाएगा और हमारी बॉडी की जो नसें सिकुड़ चुकी थी, संकरी हो गई थी या ब्लॉकेज आ गई थी, वो खुल जाएगी, संकरी नहीं रहेंगी, चौड़ी हो जाएंगी। बहुत बेनिफिशियल है ये, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है दालचीनी। दालचीनी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि भरी हुई है क्लॉटिंग को दूर करने के लिए, नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जिनको लीवर की समस्या रहती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी गैस की समस्या रहती है, तो उन लोगों ने इस दालचीनी का सेवन कैसे करना है, उनको दालचीनी का सेवन करने का तरीका बहुत ही साधारण है। दोस्तों, उन्होंने क्या करना है, 2 चुटकी दालचीनी पाउडर को 1 चम्मच में ले लीजिए, और उसके अंदर आधा चम्मच शहद, अगर शुद्ध मिल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मार्केट में जो भी आपको अच्छा अवेलेबल हो वो ले लीजिए, उसे आपने फिंगर से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए, सीधा चम्मच मुंह में नहीं डालना, बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, आपने सिर्फ उसे फिंगर से चाटना है। जब हम चाटते हैं तो हमारी जीभ पर लगी हुई जो थूक होती है, वो एल्कलाइन है, वो हमारी टमी, हमारे पेट, हमारे स्टमक के अंदर जाती है, और हमारे गट सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि हमारा लीवर इतना अच्छे से काम करता है, खाया गया खाना इतना अच्छे से पचता है। अब आप सोचेंगे कि इसे दिन में कितनी बार लें और कब सेवन करें। दोस्तों, खाना खाने के 1 घंटा पहले सेवन करें, जब भी आप खाना खा रहे हैं, और दिन में कम से कम 2 बार जरूर सेवन कीजिए, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट से पहले 1 बार ले लीजिए और 1 बार लंच से 1 घंटा पहले ले लीजिए। और कितना टाइम तक करना है, तो कम से कम 1 महीना रेगुलर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे भी अब धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं, तो आप बहुत आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनको जॉइंट पेन रहता है, मसल पेन रहता है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, हड्डियां कमजोर के साथ साथ उनके घुटनों में लगातार गैप हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग इसका सेवन कैसे करें? या फिर आपको डायबिटीज है तो आप इसका सेवन करें, क्योंकि डायबिटीज के अंदर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं, आंखें वीक पड़ जाती हैं, मसल पेन रहने लगता है, लीवर वीक हो जाता है, किडनी वीक हो जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आधा गिलास पानी लेना है, आधा गिलास दूध लेना है, इस पानी और दूध को उबालिए और इसके अंदर दो चुटकी आपने दालचीनी पाउडर डालकर उबाल लेना है। इस दूध मिक्स पानी वाला जो दालचीनी बना है इसे आपने सिप सिप करके दिन में एक बार पीना है। ये उन सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा जिनको जॉइंट पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है और मांसपेशियों में दर्द रहता है, क्योंकि दालचीनी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हमारी बॉडी में जमा वात को भी दूर करती है। तो वात दूर करने के लिए और औषधियों के साथ साथ अगर आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगी। अब आपके मन में आएगा कि क्या अकेली दालचीनी ली जा सकती है, तो हाँ, वात की समस्या को दूर करने के लिए अगर आप रोजाना दिन में दो बार लेना चाहें तो दो बार अकेला इसे ही दालचीनी को ही ले लें और वात की समस्या बॉडी में से दूर हो जाएगी। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, आपको दिखाई कम देता है, नसों में ब्लॉकेज के साथ साथ आपकी मांसपेशियों में लगातार दर्द रहता है, सिर के जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं, स्किन पर ग्लो नहीं आ रहा, स्किन पर ना ग्लो आने का कारण, बाल झड़ने का कारण क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपने दालचीनी का जो इस्तेमाल है वो पानी के साथ ही करना है, यानी पानी में उबाल कर ही इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप शहद के साथ ले लीजिए। आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो किसी भी तरीके से मीठे का इंटेक नहीं करिएगा, वो आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा एक महीना कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी कब तक रिजल्ट इसका मिल जाएगा, तो एक महीने तो एक हफ्ता कर लीजिए, तो आप उसके बाद अपनी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट करवाइएगा, आपको लीवर फैटी है तो लीवर की रिपोर्ट करवाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये दालचीनी सिंपल सी है, कितनी लेनी है और इतने सारे फायदे कर देगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है दालचीनी के बारे में, किस तरीके से सेवन करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं। दोस्तों अगर आप पुराने हैं और आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।